हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, बेसिकली ये एक डिस्कशन होने वाला है और मैं डिस्कस करूंगा मेरे उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कि अभी बी फार्मा के लास्ट ईयर में हैं या बीएससी के लास्ट ईयर में हैं और अभी वो जॉब में जाने वाले हैं। मतलब मैं फ्रेशर्स के साथ बात करूंगा। काफी समय से मैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर या मेरे इंस्टाग्राम के डीएम बॉक्स के अंदर भी ये चीज देख रहा था और क्वेश्चन ये बच्चे मुझसे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर हम कौन सी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएं, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए काफी अच्छा होगा, थोड़ा सा हमको बताइए। कई बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे कि सर मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया है, इस इंडस्ट्री के अंदर हो गया है, अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी अच्छी इंडस्ट्री है, मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊं, किस इंडस्ट्री को चूज करूं, सर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। तो मैं देखिए इस क्वेश्चन के मैं कई बार आंसर देता भी हूं, बट मैं आपसे एक चीज अपनी अंदर की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और एक जेन्युइन बात है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपके काफी डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे और आप मुझसे इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे फ्रेशर हैं और अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने का मौका मिल रहा है तो कभी भी ये ना सोचे कि ये इंडस्ट्री खराब है या वो इंडस्ट्री खराब है, क्योंकि ऐसे फ्रेशर हमारे पास ऑप्शन काफी कम होते हैं। तो अगर आपको ऐसे फ्रेशर कभी भी जॉब मिल रही है तो आप उसको कभी भी जाने ना दें, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आपको कभी मौका मिले भी ना मिले। ठीक है, ये मैं उन लड़कों से बात कर रहा हूं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या जो कैंपस प्लेसमेंट में अभी बैठने वाले हैं। तो वहां पर आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सर ये कंपनी खराब है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं या ये मुझे अच्छा डिपार्टमेंट ऑफर नहीं कर रही इसलिए मैं छोड़ देता हूं। एज ए फ्रेशर हमको समय नहीं गंवाना है, हमको जिस कंपनी में मौका मिल रहा है उसमें जाना है। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी रेफरेंसिंग हो और अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो कि सर मेरे पास रेफरेंसिंग काफी अच्छी है, मेरा जेक जुगाड़ बहुत अच्छा है, मुझे जानने पहचानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और मुझे एक से ज्यादा कंपनी में मौका मिल रहा है, तो वहां पर आप अगर आपके पास ये फैसिलिटी आ गई है, ये पावर आपके पास आ गई है, तो फिर आप एमएनसी को चुनिए, मल्टीनेशनल कंपनी को चुनिए। और अब क्वेश्चन ये उठेगा, कोई बच्चा मुझसे ये पूछ लेगा सर एमएनसी क्या होती है, ये हमको कैसे पता चलेगा। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिनके प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में, खासकर विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, एसी कंट्री में सेल होते हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अगर आपको पता करना है तो आप उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट किस किस कंट्री में जाते हैं, सेल होते हैं। तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि एज ए फ्रेशर अगर आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है तो आपको जो कंपनी में जॉब मिल रही है आप उसको आग बंद करके ले लीजिए। बट अगर आपके पास अच्छा जेक जुगाड़ है, अच्छी रेफरेंसिंग है और अगर आपके पास ये मौका है तो फिर आप एमएनसी कंपनीज को चूज कीजिए। देखिए काफी बार लड़के ये सोचते हैं कि सर कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनी आ रही है वो कंपनी काफी छोटी है और मुझे बड़ी कंपनी में जाना है, इस छोटी कंपनी से मेरा क्या होगा, और इस चक्कर में वो कई बार बेरोजगारी बैठे रह जाते हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर कोई कॉलेज आपके यहां पर प्लेसमेंट लेके आ रहा है, मतलब आपका कॉलेज अगर प्लेसमेंट ला रहा है, किसी कंपनी को आपके कॉलेज के अंदर ला रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी भी कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट आता है तो आपको कॉम्पीट करने के लिए केवल आपके क्लास के लोग हैं। याद रखिएगा, जैसे आपकी क्लास के अंदर 100 लोग हैं तो उस कंपनी को उन 100 लोगों में से ही लड़कों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लड़के लड़कियां किसी को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपका कंपटीशन कम है और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर आप अपने प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं और आप सोचते हैं कि मैं तो अपने बल पे ही जॉब ले लूंगा, और फिर आपको जॉब लेने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया में, मेट्रो सिटी में, और वहां पर आपका कंपटीशन किनके साथ होगा, सभी लोगों के साथ, मतलब वहां पर तो पूरे इंडिया का यूथ आएगा, सभी लोग अपनी डिग्री ले लेके आएंगे, तो वहां पर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वहां पर एक्सपीरियंस लोग भी आ जाएं आपके साथ में कॉम्पीट करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जॉब पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो एक चीज याद रखिए कि अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मौका मिल रहा है जॉब का तो उसको कभी भी जाने ना दें, क्योंकि वहां पर आपका कॉम्पीट आपके लोगों के साथ ही होने वाला है। बट अगर आप बाहर जाके सोच रहे हैं कि मैं बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में अपने दम पे जॉब लूंगा, तो वहां पर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका कंपटीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि फिर सभी के साथ होगा। तो ये चीज आप याद रखिए। दूसरी चीज ये कि कैंपस प्लेसमेंट में आप कॉलेज के अंदर ही सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट के अलावा अपने दम पे जब जॉब लेने के लिए जाएंगे तो आपको 6 महीने, साल भर तक का समय
लग सकता है, तो वो साल भर जो आप बर्बाद करोगे उसका क्या? अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में ही सिलेक्ट हो जाते और डायरेक्ट कंपनी में चले जाते तो वो साल आपका बच जाता और आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज आप याद रखिए कि कैंपस प्लेसमेंट को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर आपका कॉलेज कैंपस ला रहा है आपके कॉलेज के अंदर, तो उसको कभी भी हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज ये कि कई बार लड़के मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्यूसी डिपार्टमेंट अच्छा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा है, क्यूए डिपार्टमेंट अच्छा है, डिपार्टमेंट बताइए। एक चीज आप याद रखिए कि एज ए फ्रेशर, तो ऐसे मैं हमेशा अपने कई वीडियोस के अंदर ये चीज मैंने बोली है कि अगर आपको क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर मौका मिल रहा है काम करने का, तो आप उसको जाने मत दीजिए। क्यूए के अंदर आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिले आप ले लीजिए आग बंद करके, बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को क्यूए मिलेगा तभी मैं जॉब करूंगा, क्यूए नहीं मिलेगा तो मैं जॉब नहीं करूंगा। इस चीज को याद रखिए, अगर आपको क्यूसी के अंदर मौका मिल रहा है तो भी आप क्यूसी में चले जाइए, प्रोडक्शन के अंदर मौका मिल रहा है तो आप प्रोडक्शन में चले जाइए। हाथ चांस हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ये चीज याद रखिए। रीजन उसका यह है कि पता चला क्यूए के चक्कर में आप 2 साल तक बैठे हुए हो और आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है। तो अगर आप क्यूसी में चले जाते हो, प्रोडक्शन में चले जाते हो, 1 साल 2 साल आप उस कंपनी में काम करते हो, परमानेंट हो जाते हो, फिर आप दूसरी कंपनी में जब स्विच करते हो तो वहां पर आप क्यूए में काम कर सकते हो, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। वो जो एक्सपीरियंस आपने 2 साल गेन किया है वो आपको फिर वहां पर क्यूए में लेने में आपकी काफी हेल्प करेगा और ये बहुत बेनिफिशियल भी होगा। बट अगर आप पहले से ही माइंड बना लेते हो कि मैं तो क्यूए में ही काम करना चाहता हूं और अगर मेरे कॉलेज के अंदर कोई कैंपस आ रहा है और वो क्यूए के लिए नहीं आ रहा है तो मैं उसमें नहीं बैठूंगा, उसको निग्लेक्ट कर दूंगा, तो एक बहुत बड़ी गलती आप अपने साथ करने जा रहे हो। तो ऐसी चीज नहीं करनी है। एज ए फ्रेशर हमको किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिले तो आप करने के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि है तो वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड ना, और आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर आप काम करते हो ना तो बाद में मैंने आपको बताया कि आप क्यूए में जा सकते हो, तो वो जो दूसरे डिपार्टमेंट का जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको आगे चल के काफी काम आएगा जब आप सीनियर पोस्ट पे जाओगे, जब आप बड़ी पोस्ट पे जाओगे, क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस होंगे। जैसे कि आपने क्यूसी में काम कर लिया और क्यूसी के बाद आप क्यूए के अंदर गए तो फिर आपके पास क्यूसी और क्यूए दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ होगा, वही प्रोडक्शन के साथ भी आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से जॉब निकल जाए और हम बेरोजगारी बैठे रह जाए। तो यहां पर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज करता हूं और आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में ये समझाने की कोशिश मैंने इस वीडियो के माध्यम से की है कि हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। हमको अगर जॉब का मौका मिल रहा है चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो तो हमको वो मौका हाथ से नहीं जाने देना है, वो जॉब हमको ले लेनी है और अपना काम स्टार्ट करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जिसमें हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हमको हमारी जवानी घर पे बैठे बैठे बर्बाद नहीं करनी है, ये जो टाइम है ये हमको अपने काम में लगाना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि 4 साल 5 साल निकलने के बाद जब हम हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाएगी, मतलब हम थोड़ा बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमारी जवानी कम हो जाएगी, तो फिर ये जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है ये हमको वहां पर काम आएगा, हमको बड़ी पोस्ट मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ रहे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? कहने का मतलब ये है कि एज ए फ्रेशर हमको समय नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द वर्किंग में आना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमको आगे चल के काफी काम आने वाला है। हमको एक अच्छी पोस्ट ऑफर होगी, अच्छी सैलरी ऑफर होगी, बट अगर हम ये समय गंवा देंगे 2 साल 3 साल के बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे तो फिर ये 3 साल आपके गए और फिर वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, फिर आप ऐसे फ्रेशर ही काउंट होंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो आप जल्दी से जल्दी अगर आप अपना करियर स्टार्ट करोगे, अपनी जॉब स्टार्ट करोगे, तो आप ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे और आप बहुत जल्दी एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आने वाले समय पर इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा मुझे जरूर बताइएगा और अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो आज मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को जवाब देने के लिए मैंने एक ट्रिक निकाली और उसको ये है कि मैं अब आने वाला हूं लाइव और लाइव आके मैं आपसे सीधा इंटरेक्ट करूंगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लाइव आओगे कहां पर और कब आओगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरे फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता, उस पेज को आप फॉलो कर लीजिए। समय टाइम जो जगह वो सब मैं बताऊंगा उस फेसबुक पेज पे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही मैं फेसबुक लाइव पे आने वाला हूं। सर लिंक तो बता दो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। और एक मिनट और,
अगली मुलाकात होती है फेसबुक पेज पे।